नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्र टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में जो स्थापित किया था पांडवों ने और पांडवों में भी अर्जुन ने, और जिस जो शिवलिंग भी जो इस मंदिर का है वो भी पांडवों के द्वारा और विशेष रूप से अर्जुन के द्वारा स्थापित है। तो देखिए पहली बार ऐसा मंदिर हमारे चैनल पर। दोस्तों इस समय मैं हूँ भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में और ये गांव है अमादलपुर। यह है काफ़ी बड़ा पुराना धार्मिक क्षेत्र है, लगभग त्रेता युग के समय का। यहाँ पर प्राचीन कालीन जो राजा मानधाता थे उनके द्वारा स्थापित प्राचीन सूर्य कुंड भी है। लेकिन साथ में एक और आश्चर्यजनक चीज़, जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर है प्राचीन ऐतिहासिक पांडवों के द्वारा स्थापित और इसमें जो शिवलिंग है वो भी उन्हीं के द्वारा स्थापित है। आइए कुछ इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं यहीं के हमारे पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी ये मंदिर का थोड़ा इतिहास अपने शब्दों में बताइए। ये मंदिर जब राजा यक्ष का संवाद हुआ था पांडवों द्वारा तो उन्होंने ही इस शिवलिंग का स्थापना किए थे पांडवों ने। जी ये पांडवों द्वारा स्थापित मूर्ति है और यहीं पर पूरा पूजन विधि हुआ था सामने कुंड के पास। कुंड में दिखाइए। अच्छा, फिर वहां से लेकर ऐसा शिवलिंग भारतवर्ष में कहीं नहीं दिखेगा आपको। आइए आपको दिखाते हैं वो प्राचीन कालीन मंदिर, वो महादेव का स्थापित शिवलिंग। आइए पंडित जी आप भी दिखाइए हमें। लाइट जलवाइए जरा, एक बार रोशनी होगी तो। और अंदर भी ये देखिए महाराज जी, एक चीज देखिए, ये बैठिए, ये शिवलिंग की आकृति अलग है ना, कुछ और जी, जी, देखते हैं। जी जी, ये किस मुखार कैसे आकृति है कुछ समझाइए। ये ध्यान अवस्था में बैठे हुए महादेव का शिवलिंग है। किस अवस्था में? ध्यान अवस्था में। ध्यान अवस्था में ये जो शिवलिंग है जी, ये कहाँ नीचे तक है महाराज जी? जी नहीं, नहीं। ये ऐसे है जी, तो ये संपूर्ण एक ही हिस्सा है जी, ये अलग अलग है? नहीं, ये एक ही हिस्सा है। एक ही है ये? ये एक ही हिस्सा है। अच्छा जी, तो दोस्तों देखिए ये प्राचीन कालीन पांडवों के द्वारा स्थापित इस क्षेत्र में जब पांडव छुपे हुए थे उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग, और जब इस क्षेत्र पर हमले हुए तो शायद इस क्षेत्र इसको बचा लिया गया शिवलिंग को। शिवलिंग तो नहीं, शिवलिंग तो बस जो अर्घा है ये टूट गया था। ये जी, ये इसको क्या बोलते हैं? अर्घा। अर्घा, तो जब इस क्षेत्र पर हमला हुआ औरंगजेब के समय में तो ये टूट गया था, लेकिन शिवलिंग जो कि पोर्टेबल है इसको बचा लिया गया किसी द्वारा, पंडितों के द्वारा छुपा लिया गया, फिर कुछ सौ वर्ष बाद इसको यहाँ पर पुनः स्थापित किया गया। जी देख रहे हैं आज हमारे साथ पहला ऐसा दुर्लभ शिवलिंग जिसे स्वयं स्थापित किया था पांडवों ने, जब पांडव अज्ञातवास के समय में या वनवास के समय में इस क्षेत्र अज्ञातवास में इस क्षेत्र में रहते थे। मंदिर का आप डिजाइन भी देखेंगे, इससे भी महसूस होता है कि औरंगजेब ने यदि इसे तोड़ भी दिया था तो उसके बाद का ही लगभग 300-350-400 साल पुराना ये मंदिर, ये दीवारें कई कई फुट कई कई मीटर मोटी दिख सकती हैं आपको आज भी यहाँ पर। ये ऐसे मंदिर स्ट्रक्चर के देखने में ऐसा लगता है ये कई सौ वर्ष प्राचीन है, और इसमें थोड़ा दक्षिण भारतकालीन शैली भी इसमें थोड़ी सी या जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, या जैसा उड़ीसा में हमारे मंदिर होते हैं जैसे जी पूरी साइड में, वो स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ इसमें सम्मिलित है। जो ये कुंड है, एक तो इसकी गहराई बताइए कितनी होगी इसकी गहराई का? कुछ कुंडों की गहराई के पता नहीं चलते हैं। इतना है जी? आदमी डूब जाए जी? सूखा है, कम हुआ है तो पता लगी हो? जल हल्का कम होता है, तो पूरा नहीं सूखता। इतना गहराई दिखती है तली जी? दिखती नहीं है। और क्या विशेषता है? ऐसा सुना है कि किस दिन नहाते हैं, कितने दिन नहाते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है? जी इसमें रविवार के दिन स्नान करने से चर्म रोग इत्यादि जो संबंधित बीमारी रहते हैं वो सही हो जाते हैं। कितने रविवार तक? कम से कम 11 रविवार। इस सूर्य कुंड की ये खासियत है कि ये 24 घंटे में 3 कलर चेंज लेती हैं। अच्छा जी। सुबह में क्या? सुबह में लाल। हाँ, पूरे लाल तरीके से दिखे ऐसा होता जी है। जैसे आपका वस्त्र का रंग है जी ऐसा होता है। दूसरे दोपहर में? दोपहर में इसको नीला हल्का
और नीला कलर हो जाता जी, और शाम को हरा कलर हो जाता है। शाम को अभी फिलहाल जब हम यहाँ इस जगह पर हैं ये हरा है जी। और ये बात मुझे पंडित जी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं भी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रंग बदलने वाला कुंड है ये, और ये आश्चर्यजनक बात मुझे पता लगी, ये कभी सूखता नहीं है। कभी सूखता नहीं जी, नहीं कभी नहीं सूखता। कितनी भी जून जुलाई की गर्मी हो जी जी जी, इतना भयानक, जब कुएं तक सूख जाते हैं, तालाब तक सूख जाते हैं, झोर तक सूख जाते हैं, इस सूर्य कुंड का न सूखना अपने आप में एक अद्भुत बात है, आश्चर्यजनक बात है जी।